शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान, मैं तुझे मानता हूं, लेकिन आज तेरी बहुत जरूरत है। अरे जुनावर, मंदिर के सारे रखवालों को ठिकाने तो लगा दिया है ना? सारे लुढ़का दिए। अरे चेक तो कर दिया कि सब मर गए कि नहीं? जोरावर सिंह की गोली खाकर आज तो कोई जिंदा नहीं बचा। ये बात तो सही है, कमाल की गोली है जोरावर की। जोरावर को बहुत मजा आया। हाँ, मजा आप लेना बाद में, पहले बजा दे मेरा बैंड ताकि लोगों को मुझ पे शक ना हो। ओ जोरावर को बहुत बहुत मजा आया। चलो, बड़ा कमीना आदमी है, मुझे मार के इसको मजा आया। रुक जाओ, मेरे भगवान को तुम नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं अपने भगवान को नहीं ले जाने दूंगा। मैं अपनी जान दूंगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। रुक जाओ। बाहर आओ जोरावर सिंह, बाहर आओ। देख इंस्पेक्टर, जोरावर सिंह के रास्ते में अगर बड़े बड़े दरिया भी आते ना तो वो भी अपना रास्ता बदल देते हैं। तो भी अपना रास्ता बदल दे। चल, एक सच्चे पुलिस वाले का सिर्फ एक ही रास्ता होता है जोरावर सिंह, पर्स का रास्ता, जिस पर वो जिंदगी भर चलता रहता है और उस रास्ते को वो कभी नहीं बदलता। Rock, Joe, 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 Joe
इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दे वरना बहुत भारी पड़ेगा तुझको। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ये सोने की मूर्ति तू ले ले और मुझे छोड़ दे। ये मूर्ति भगवान की है जोरावर सिंह और मैं अपने भगवान को कभी नहीं बेचता। जल थाने तुझे बताता हूं मैं। इंस्पेक्टर ये महंगा पड़ेगा तेरे को। अरे सुन अरे बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। इंस्पेक्टर अरे वार्ड बॉय जी जरा शीला नर्स को बुलाना। अभी बुलाता हूँ। यस प्लीज सिस्टर कोई अच्छी खबर? बस थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए। बाय द वे सिस्टर मेरी बीवी की तबीयत कैसी है? जैसे इस वक्त सब औरतों की होती है। नहीं सिस्टर गीता की बात कुछ अलग है। वो पहले भी कई बार माँ बन चुके हैं मगर हर बार बच्चा पैदा होते ही मर गया। देखिए भगवान पर भरोसा रखिए। अरे हाँ, भगवान पे क्या भरोसा रखिए? पीने के लिए पेट भर दारू तो देता नहीं है। आप जाकर वहाँ बेंच पर बैठ जाइए। देख अंदर मेरी बीवी शारदा को बच्चा पैदा होने वाला है। अच्छा तो तुम हो उसके पति? अकेली तकलीफ में हॉस्पिटल आई थी, तुम उस वक्त कहाँ थे? अरे कहीं भी झक मार रहा था, तुझे उससे क्या लेना देना। बोल मेरी बीवी को बच्चा पैदा हुआ या नहीं। बस थोड़ी देर की बात है। देख उससे कह देना लड़का पैदा करे वरना कला हो दूंगा। लगता है गुस्सा हो गई अपने को क्या लाल परी। ये रही आपकी बच्ची। मेरी बच्ची मुबारक हो भीखू, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। क्या मेरे घर में सत्यानाश? अरे मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आई, अब जिंदगी भर लक्ष्मी जाएगी जाएगी। लाल परी के कसम ये जन्म जली मुझे कंगाल बनने के छोड़ेगी। अरे उसकी शादी पे तो दान दहेज भी देना पड़ेगा। क्यों बैठा की लड़की वाह थोड़ा जोर और लगाइए बस। हाँ कमान बस जोर और थोड़ा नर्स और थोड़ा जोर लगाइए और थोड़ा। क्या हुआ सिस्टर? मुझे बहुत दुख है श्रीमान, आपकी बीवी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। लाल परी के कसम ये जन्म जली भी मरी हुई पैदा होती तो कितना अच्छा होता। ये तो बहुत बुरा हुआ सिस्टर। मेरी बीवी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उन्हें अभी इस बात का पता नहीं है क्योंकि वो बेहोश है। बस हौसला रखिए आप प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा और मुबारक हो। सुनो भाई तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम्हारी बीवी ने और एक जुड़वा बच्ची पैदा की है। क्या बकवास कर रही हो तुम? एक और जन्मजली पैदा हो गई? मुझे एक भी नहीं चाहिए, दोनों को आना थाले में फेंक दूंगा। ए भाई मुझे अपनी बीवी की जान बचानी है। तो मैं क्या कर रही यार? भाई तुम मेरी मदद कर सकते हो? मदद? अपनी एक बेटी मुझे दे दो। हाँ? मैं तुम्हें कुछ रकम दे दूंगा। क्या क्या पागलपन की बातें कर रहे हो साहब? अपनी जिगर का टुकड़ा कभी कोई किसी को निकाल के देता है क्या? ए भाई मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा। काफी बड़ा मुर्गा लगता है, और ज्यादा मांगे भेखू। नहीं 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 साहब,
ये 10,000 रुपए में नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी? नहीं 15,000 देते हो तो मैं अपनी प्यारी सी लक्ष्मी को आपके हवाले करूंगा। वैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं दे दूंगा लाल बोरी की कसम। 15,000 ठीक है देता हूँ। ये रही आपकी बच्ची। मेरी बच्ची। ये लो पूरे 15,000। थैंक यू। अब फौरन हॉस्पिटल से चले जाओ। अरे जाता हूँ भाई जाता हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा पहले अंदर जाकर अपनी घरवाली को तो समझा दूँ। तुम्हारी घरवाली को मैंने सब समझा दिया है। काफी समझदार हो है। आपकी बीवी होश में आ गई है और आप उनसे मिल सकते हैं। जाओ भाई जाओ, मुबारक हो मुबारक हो। जाओ जाओ तुम भी फौरन हॉस्पिटल से जाओ। हाँ जाता हूँ। कैसी हो गीता? मैं ठीक हूँ। देखा आपने, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली ना। कितनी प्यारी बेटी दी है। ये कंगन दे मुझे। नहीं, ये मेरी सुहाग की निशानी है, मैं तुझे नहीं दूंगी। अरे तेरा सुहाग यहाँ दारू की प्यास से मर रहा है और इस कंगन का क्या, तू आचार लेगी? लाठे मुझे। देख छोटे मुझे बिल्कुल छोड़। तू ये कंगन नहीं देगी तो मैं तेरी इस जन्म जली बेटी का गला घोट कर मार डालूंगा। मार डालता हूँ इससे अभी। खबरदार जो मेरी इस बेटी को हाथ लगाया। अरे एक बेटी को तो बेचकर तू सारी रकम जुए में हार गया है, अब इस पर तो दया कर। तू सीधे तरह से कंगन उतार के दे दी या तेरी राम कली को मैं ऊपर पहुंचा दूं। मैं देती हूँ तुझको। दे दे जल्दी दे। वाह भाई वाह, जब भी घर में आओ और देखो तो माँ धमकियाँ देती रहती है और ससुरी जन्म जली बेटी सोती रहती है। और दो दिन रात जो गटर का पानी पीकर आता है उसका क्या? तेरी तो कैची की तरह जवान चलाती है। लाल परी की कसम किसी दिन काट के हाथ में दे दूंगा। मारपीट के अलावा तुझे आता भी क्या है? ए चुप, मुझसे जवान लड़ाती है। चल अपना ये मंगलसूत्र उतार के दे दे, मुझे दारू की तलब हो रही है। चोर, ये मंगलसूत्र तुझे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। अरे तूने ये पहले क्यों नहीं बताया? चल तुझे अभी मार देता हूँ। भगवान ये कौन सी बीमारी पकड़ी है मेरी बच्ची को, जब से पैदा हुई कमबख्त तब से पीछा ही नहीं छोड़ती। बेटा बेटा कैसा लग रहा है तुझे? हाँ। कोई पीछा है अभी भी? नहीं। हाँ? तो रो क्यों रही है, ठीक तो है ना तू? ये देखो कैसी है। बहुत अच्छी है पापा। ये लो अपनी चीज पाकर कितनी खुशी होती है ना। अरे वाह बिल्कुल सच कहा तुमने। और अब एक विशेष सूचना, एक खतरनाक डाकू जोरावर सिंह जेल से फरार हो गया है, जिस पर कई डकैतियों और कत्ल के इल्जाम है। बताया जाता है कि ये मंदिर से चुरा कर उसे विदेशों में बेचा करता था। सूचना समाप्त हुई। बस माँ मेरा पेट भर गया। अरे आधी रोटी में तेरा पेट भर गया, ले आधी रोटी बची है वो भी खा ले। रोज खाती हूँ, तुम भूखी रहती हो माँ, तुम खा लो। हाँ अरे रामकली। अरे क्या हुआ, मैं कोई जिन भूत हूं क्या जो देखकर तुम दोनों माँ बेटी डर गई? अरे नहीं नहीं डरो मत बेटा रामकली, आज मैं तुम्हारी माँ के लिए देखो ये नई साड़ी और हार लेकर आया हूँ। अरे तुम दोनों मुझे इस तरह घूर घूर कर क्या देख रही हो? बेटा मैं जानता हूं कि पहले मैं बहुत बुरा इंसान था, बहुत बुरा था, लेकिन अब मैं बदल गया हूं।
मैंने सोचा मैं आज तक इस बेचारी को बहुत मारता रहा, पीटता रहा, मैंने इसे बहुत दुख दिए, लेकिन आज आज से मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लूंगा और मेरी शारदा को मेला घुमाने ले जाऊंगा। मैं भी चलूंगी मेला। नहीं नहीं बेटा रामकली, आज मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को घुमाने ले जाऊंगा, तुम्हें फिर कभी ले जाऊंगा। हाँ शारदा चलो जल्दी करो, ये साड़ी और ये हार पहन लो, जल्दी करो जल्दी करो, हमें देरी हो रही है, चलो 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 चलो। दाल में कुछ काला है। हाय हाय ये आंखें, कवल कहने को जी चाहे मेरा, मैं नहीं शायर, गजल कहने को जी चाहे मेरा। जोरावर को बहुत मजा आया, क्या गदराया हुआ गोरा गोरा बदन है तेरा। कहाँ भागोगे? मैं आज तक खूबसूरत लड़कियों की पूजा करने के ख्वाब देखता था, आज मैं तेरे जिस्म की पूजा करूंगा। ठाकुर कहते मुझे चांद मिलेगा, जाना मैं भी चलता हूँ जाऊँ। तू अगर शेरी बने तो मैं तेरा फरहाद हूँ, तू अगर मेरी शेरी बने तो मैं तेरा फरहाद हूँ, वरना इतना याद रख मैं बेरहम चल्लाद हूँ। जिंदगी भर एक भिखारी की तरह तेरे आगे झोली फैलाकर अपनी खुशियों की भीख मांगती रही, पर तूने मेरी झोली कभी नहीं भरी। मगर आज मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी बेटी रामकली की जिंदगी खुशियों से भर दे, जो कांटे मेरी जिंदगी में बोए थे तूने वो दुख के कांटे उसकी जिंदगी में मत बोना, मत बोला भगवान, मत बोला। बेटी रामकली, आज भी तो प्रसाद नहीं लेगी क्या? नहीं माँ, चाहे तो तू अपने भगवान से जाके कह दे, रामकली ना तो उसके सामने रोने आएगी, ना ही गिड़गिड़ाने और ना ही उसका प्रसाद लेने। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है।
तेरा पूरा जन्म तो परीक्षा में निकल गया माँ, तुझे क्या मिला? भन्नास की जड़। मैं जानती हूँ बेटी, तू इतनी कड़वी बातें क्यों करती है? तेरी उम्र की लड़कियां इस उम्र में जिंदगी की बहारें लूटती हैं, लेकिन तुझ पर वो जवाकन का साया ऐसा पड़ा कि जिन हाथों में सुहाग की चूड़ियां होनी चाहिए थी उन हाथों से तू लकड़ियां काटती है। तो क्या हुआ माँ, तुझे सुख देने के लिए मैं पहाड़ों की पथरीली चट्टान भी तोड़ सकती हूँ। जानती है माँ, आज लकड़ियां बेचकर मुझे जो रकम मिलेगी उससे मैं क्या खरीदना चाहती हूँ? क्या खरीदेगी मेरी बेटी? तेरी पुरानी साड़ी मुझे भन्नास की जड़ दिखती है, आज मैं तेरे लिए नई साड़ी खरीदूंगी। ठीक है, मैं घर जाती हूँ, जल्दी आ जा। मजा आ गया लाल परी की कसम। यार बेगो, ये गलत बात है यार। क्या गलत है? घड़ी घड़ी मुझसे पैसे उधार मांगता है और वापस देने का नाम ही नहीं लेता। अरे यार वापस कैसे करूँ कम्मू, तू तो जानता है अपना ना कोई धंधा है ना कोई कमाई है। अब थैंक यू, अब तू ही कोई कमाई का रास्ता बता। वाह वाह, क्या रूप की रानी है, अल्लड़ जवानी है। मैं मर जाऊँ। वाह वाह, अबे गधे, वो मेरी लड़की है रामकली, कुछ तो शर्म कर। यार देखो, शर्म तो कब की बेच कर खा चुका है। एक बात कहो, तेरी बीवी है ना, वो भी एकदम पटाखा थी, और तेरी छोरी एटम बम है, एटम बम। अबे जरा धीरे बोल, कहीं उसने सुन लिया ना तो तेरे और मेरे टुकड़े करके रख देगी। देख चमेली भाई है ना, उसको एक छोरी की जरूरत है मुजरा करने वाली। आए आए। और अगर तेरी छोरी मान जाए ना, तो उम्र भर के लिए तेरी दारू पक्के। क्या बात कर रहे हैं? अरे यार वो नहीं मानने वाली, छोड़। अरे मानेगी कैसे नहीं, उसकी तरकीब मेरे पास है। तरकीब? हाँ। क्या है? तू सुन। अबे क्या कर रहा है, कान में कुछ हो रहा है। अरे बेको भाई सुन ना। माँ, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। माँ माँ माँ, अरे रामकली, तेरे बापू ने तुझे चमेली भाई के कोठे में बुलाया। हाय हाय, मैं सबके मर जावा, क्या नसीब है मेरा। लगता है इंद्र के अखाड़े में से कोई अप्सरा उतर आई है। वैसे मैं पूछ सकती हूँ तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? रामगढ़ की रामकली कहते हैं मुझे। वैसे मेरे मर बापू आए हैं यहाँ पे? तुम्हारी माँ और बापू यहाँ? ये क्या बापू, तुमने माँ के गले पे चाकू रखा है? मेरी नन्ही मुन्नी भोली भाली बिटिया, अभी तो ये चाकू मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ की गर्दन पर रखा है। लेकिन अगर तू मुजरा करने के लिए राजी नहीं हुई तो लाल परी की कसम तेरी माँ की गर्दन काट दूंगा। सौ कमीने मरे होंगे ना बापू, तब तो जैसा बाप इस दुनिया में पैदा हुआ होगा। तुझे शर्म नहीं आती, अपनी जवान बेटी को दुनिया के सामने नंगा नचवाना चाहता है तू? हाय हाय बेटी, तुझे जो नंगा नाच नचवाए वो सौ जूते ना खाए। मैं तो तुझे ऐसा लिबास दूंगी कि तेरी उंगलियां भी नजर नहीं आएंगी। नहीं रामकली नहीं, इन लोगों की बातों में मत आना और कभी मुजरा मत करना। मुजरा नहीं करेगी तो अपनी माँ को जिंदा भी नहीं देख पाएगी। जल्दी जवाब दे रामकली, वरना अपनी माँ की जिंदगी के लिए रामकली अपने आप को बेच भी सकती है, तो मुजरा क्या चीज है? राजी हो गई? एक शर्त पे बापू, कि तू मेरी माँ को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएगा और इसका इलाज किसी बड़े डॉक्टर से करवाएगा। बोल, मंजूर है तुझे?
मंजूर है, मंजूर है। बड़ा कमीना है रे तू। तो ये घुंघरू पहन लो बेटी, ताकि हमारे मास्टर जी तुम्हें अच्छी तरह नाचना सिखा सके। नाच। तमकली इस जहां में कब किसी का दर्द अपना दे लोग, रुख हवा का देख कर अक्सर बदल जाते हैं लोग। धर दे नथनिया के दाम बाबू, पहले धर दे न...
मैं मर जाऊँ? क्या हुआ मेरी बेटी को? मौसी, मैंने अभी भी सपने में माँ को देखा, वो बहुत रो रही थी मौसी। अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं गांव जाकर माँ को देख कर आऊँ। तू तो मेरी कमाऊ बेटी है, मेरी इजाजत लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? मौसी, मैं सूरज निकलते ही गांव चली जाऊंगी और सूरज डूबते ही वापस आ जाऊंगी। हाँ? हाँ? तेरी माँ को किसी ने नहीं मारा बेटी, वो तो भूखकर बीमारी से मर गई। तुम झूठ बोलती हो, मैं अपने बापू के हाथों दवा और पैसे भेजा करती थी। लेकिन तेरे बाप ने ना तो उसको एक टुकड़ा रोटी दी और ना ही उसकी दवा दारू कराई बेटी। मेरी प्यारी माँ, क्यों तू मुझे छोड़ के चली गई? कसम है तेरी ममता की माँ, ना मैं उस कमीने बाप को छोड़ूंगी और ना उन चारों कमीने कुत्तों को जिन्होंने तेरी इज्जत लूटी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी भर दारू पीते जाना। बेटी तू ये क्या कर रही है? देख देख देखो, असली है, नकली नहीं है, कहीं लग जाएगी बेटी। आगे मत बढ़, रामकली आगे मत बढ़। मुझे माफ कर दे रामकली, मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर दो बाबू, मैंने तुझे जन्म दिया बेटी, तू मुझे माफ कर दे। तू मेरी माँ का कातिल है, तुझे माफ कर दो। तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मानो नहीं, मानो नहीं, मुझे मौत से भाग ले। हमको औरों की तरह मत मारना हथियार से, हमको औरों की तरह मत मारना हथियार से। मारना हो अगर बस देख लेना एक नजर प्यार से। लगता है तुम तीनों की मौत तुम्हें मेरे पास ले आई। होशियार कुंवर सिंह, रामकली उसी औरत की बेटी है जिसकी इज्जत हमने लूटी थी। अब समझ में आया जमींदार साहब कि इसने अपने बाप का खून क्यों किया है और अब हमें मारना चाहती है। अरे खुद भी बचो और हमें भी बचाओ। अरे घमंडी बड़ो, पकड़ लो इसे, शिकंजे में अपने जकड़ लो इसे। मेरा हाथ खुला कर दिया है। Yeah.
ओ गॉड, गोली तो तुमने उस टारगेट पर चलाई थी, पांव पर गोली का जख्म कैसे? सर इस सवाल का जवाब मेरे मम्मी पापा 18 साल से तलाश कर रहे हैं, मगर उनको अभी तक इसकी वजह समझ में नहीं आई। थैंक्स गॉड, तुम्हें चोट लगने से पहले पुलिस ट्रेनिंग तुम्हारी कंप्लीट हो गई। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? लड़की की आवाज है? चलो कौन है? हाँ चलो देखते। चलो पता नहीं सरदार, जिंदा है या मर गई है? ये तो जिंदा है। हाँ चलो उड़ाओ। हाँ सर जी संभल के। फौजी बाबा, लानत है मुझ जैसी बेटी की जिंदगी पर, जिसके होते हुए उसकी माँ की इज्जत के लुटेरे दरिंदे खूनी दन दनाते हुए फिर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। बेटी रामकली, तू चिंता मत कर, मां काली की कसम, तेरे दुश्मनों से बदला लेने के लिए मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। मैं बाबा, तुमने जो मुझे सहारा दिया है ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। बेटी, उपकार मैंने तुझ पे नहीं, तूने मुझ पे किया है, मुझ पर। ये क्या कह रहे हो बाबा? मैं ठीक कह रहा हूं बेटी, तेरे उन चार दुश्मनों में से दो दुश्मन मेरे भी हैं जिनसे मुझे बदला लेना है। एक जमींदार कुंवर सिंह और दूसरा इंस्पेक्टर घमंडी सिंह। आपकी उनसे क्या दुश्मनी है बाबा? आज से 20 वर्ष पहले मैंने कुंवर सिंह के छोटे भाई किशन सिंह से अपनी छोटी का ब्याह छोटी बहन को दहेज की लालच में जिंदा जला दिया, इनका खून कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बाबा? उसके बाद कुंवर सिंह ने मेरी बीवी और मासूम बच्चों को मरवा डाला और उस रिश्वतखोर इंस्पेक्टर घमंडी सिंह ने मुझ पर झूठा मुकदमा बनवाकर मुझे जेल भिजवा दिया। जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने अपना ये गिरोह बना डाला। पर फौजी बाबा, मैं इन खाली हाथों से बदला कैसे लूंगी? मैं तेरे इन हाथों में बारूद भर दूंगा, बारूद। मां भवानी को प्रणाम कर जा। देखो बच्चा लो, हमार नाम घमंडी सिंह है। का घमंडी सिंह? वैसे भी हम तुम जैसे घटिया लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। का मगर दरोगा जी, हम घटिया लोग नहीं है। हम तो आपसे बंदूकें और गोलियां किराए पर लेने आए, और काम हो जाने के बाद हम आपको वापस कर देंगे। अबे ज्यादा जोर से बोल रहा नहीं क्या? मैं तेरा बाप हूँ, वैसे भी ये तेरे बाप का माल नहीं जो तुझे वापस नहीं देना पड़ेगा, समझे? चल एक काम कर, आज आज रात को गणेश मंदिर के पीछे 10 बजे आ जाना, उधर सब सामान मिल जाएगा। ये लो आपका एडवांस। पतली गली पकड़ के सुमड़ी में कल्टी हो जाओ। चलो 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 चलो, कमांडर सिंह आज तो तेरी निकल पड़ी है बाबा। ए उधर देखो चोर लोग। मेरा तो जो भी कदम है वो उल्लू आलसी बैल, पकड़ कर देने, इसलिए यहाँ खड़ा है। समझा नहीं महजूर? ए तू एक्टिंग मत कर ज्यादा है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। आज पगार का दिन है, 10 तारीख है, और तू अपनी पगार लेकर यूं गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से जिंग गायब हो जाते हैं। क्षमा याचना चाहता हूँ प्रभु, परंतु क्या करूँ, परिवार के समस्याओं में इतना व्यस्त रहता हूँ कि ड्यूटी पर आने का समय नहीं था। एक हाँ, और पगार लेने के लिए समय मिल जाता है तो बात याद रखना पुत्र, तो बात याद रखना, एक तो तुम्हारा मालिक कभी गलत नहीं होता, और दूसरा वो तुमसे कई ज्यादा समझदार होता है पुत्र पीपी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, लेकिन आप कितने अकलमंद हैं वो मैंने देख लिया।
अपनी जबान को लगाम दो बीबी, पुत्र ये मत भूलो कि हमारा नाम घमंडी सिंह है और हम यहाँ के थानेदार हैं। आज तुम अपनी आखिरी पगार ले लो पुत्र, आखिरी पगार ले लो, और इस पुलिस स्टेशन में कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाना बीबी, नहीं दिखाना। इस पुलिस स्टेशन में तो सरकार आप कभी नजर नहीं आएंगे अगर आपका ये तुच्छ सेवक डीएसपी साहब के पास जाकर आपके कुकर्मों का भांडा ही फोड़ दे। तो कुकर्म? कौन से कुकर्म की बात कर रहे हो पीपी? कौन से कुकर्म की बात कर रहे हो? जो आज रात को 10 बजे आप मंदिर के पीछे जाके करने वाले हो वो किसी कुकर्म से कम है क्या? इसके विषय में आप कितना जानते हो श्रीमान? इतना। अरे पवन पुत्र, तू तो यार मेरा जिगरी दोस्त है यार, बहुत बुरा मान, बहुत बुरा मान। पहले हमारे कंधे से हाथ हटाओ, हटाओ। ये ले हटा देता हूँ यार। हमारा नाम पवन पुत्र है, हम तुच्छ प्राणियों को मुंह नहीं लगाते। अरे फिर तू बुरा मान गया, चल चल जा रहे थे भूल जा, और तू गुस्सा है ना, थूक दे कमर, थूक दे। थूक दूं? पहले यह हाथ हटाओ, हटाओ। अब हमारा पगार दे, पहले मुझे ठुकने दे यार। ठुको, पगार मिल जाएगी तेरी मेरे भाई, पगार मिल जाएगी, इसकी पगार दो भाई। अब हम जाते हैं। कुत्ते की गोचड़ी। तुम्हारे बाइट रिकॉर्ड को देखते हुए हमने तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर अपॉइंट कर लिया है मिस संगीत। थैंक यू वेरी मच सर। मगर तुम्हारी सर्विस के पहले 6 महीने तुम्हें डेस्क जॉब दिया जाएगा। डेस्क जॉब? मैं समझी नहीं सर। पुलिस के हेडक्वार्टर ऑफिस में नए मुजरिमों का रिकॉर्ड बनाना और पुराने मुजरिमों का रिकॉर्ड चेक करना और बहुत से लिखने पढ़ने का काम। इसका मतलब सर मुझे मुजरिमों से टकराने का मौका ही नहीं मिलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्यों सर? हम लोग पुलिस के महकमे में लेडीज की काफी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरनाक मुजरिमों के पीछे लगाकर उन्हें उनकी हवस का निशाना बना दिया जाए। सर आज की औरत इतनी कमजोर और बेबस नहीं कि कोई भी मुजरिम उसको हलवा समझकर खा जाए। आज की औरत चट्टानों को भी तोड़ कर रख सकती है सर। इंस्पेक्टर वर्मा, ये आपके चेहरे को क्या हो गया है? आप तो बदमाश विष्णु को पकड़ने गए थे। हाँ, उसी विष्णु ने मेरा ये हाल किया है। इस बेइज्जती के बाद मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, ये रहा मेरा इस्तीफा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बदमाश विष्णु हमारे लिए एक सरदर्द बन गया है। जो भी इंस्पेक्टर जाता है वो पिटकर वहां से वापस आता है। सर, क्या विष्णु को पकड़ने का एक बार मौका मुझे मिलेगा? नॉनसेंस, इतने खतरनाक मुजरिम को तुम कैसे पकड़ सकती हो? सर, अगर मैं इस खतरनाक मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो गई तो क्या आप मुझे आउटडोर इंस्पेक्टर बना देंगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बना देंगे। थैंक यू सर। साले, साले फट के लिए बात की चटके लिए औलाद, साला तेरी जात का बैदा फोड़ू, साला तू मेरे टुकड़े करेगा है? अभी अंडे में से निकला नहीं, तू चोंच मार रहा था, वो भी अपुन को, विष्णु को। याद रख साले, तेरे को इतना मारू है ना, अभी तो कम था, समझा? चल। ये इधर क्या करने वाली है? तेरे हाथों में हथकड़ी पहनाने आई हूँ ताकि फिर किसी गरीब से तू हक्का ना मांग सके। अपुन को? अच्छा, ये तेरी ये। तूने एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करके अपनी कब्र खुद खोद ली है, क्योंकि तेरी उंगलियों के निशान इस चाकू पर मौजूद हैं और यही तेरे खिलाफ गवाही देंगे। समझाया था, समझता ही नहीं, ये डा कहेंगे। आया। तू तो
गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, ये कौन सी रिंग चाल है? देखा बुलबुल उस्ताद, अभी अपुन इस पुलिस वाले को खुद हथकड़ी लगाने को बोल रहा है, तो नखरा दिखा रही है। मैंने तेरी जान क्या बचाई, तू तो खुद हथकड़ी पहनने को तैयार हो गया। अरे जब तुम्हारी नजरों की हथकड़ी पहन लिया जाने मान तो ये लोहे की हथकड़ी गया। जब से दीदार तुम्हारा हुएला बाप, उसी दिन से अपने को मोहब्बत हुएला है बाप। तू भी क्या याद रखेगी जाने मन, एक करोड़ों का दिल तेरे को फोकट में दिया बाप। अपन पुलिस जिम में वेट करता है, आ जाओ। सर, मैंने विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है, वो देखिए। और साहब आ गया। माय गुडनेस, तुमने तो कमाल कर दिया मिस संगीता। सर, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। श्योर श्योर, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें लालगंज पुलिस स्टेशन का ऑफिसर बनाकर भेज रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, पुलिस और पब्लिक का दूर दूर तक पता नहीं है, और इस मूर्ति के जो सुरक्षा करने वाले हैं ना गार्ड्स, उन्हें मैंने दूसरे गांव में भेज दिया है। जोरावर को बहुत मजा आया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जोरावर इस मूर्ति का सौदा जैसे ही होगा ना तो इस पोटेदारी का पोटा देना। तुमने आज तक जितनी मूर्तियां चोरी करवाई है उन सब में तुम्हें अपना हिस्सा मिला है, ये तंदूर जैसा पेट इस बात का गवाह है। अरे जोरावर, जब ऐसा तंदूर हो ना तो उसमें पोटा रोज डालना पड़ता है भाई। और रही वो हिस्से वाली बात, जरा धीरे से बोल भाई, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मेरा तंदूर तो फट जाएगा। तुम्हें याद है पोटेधारी पुलिस स्टेशन जाकर किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? कमाल करते हो, आज तक कोई बात भुलाओ जो अब भूलूंगा। जोरावर को बहुत मजा आया। मूर्ति बिकने के बाद मुझे भी मजा आएगा। चलो साथियों। हाँ तो पोटेदारी साहब, आप ये रिपोर्ट लिखाने आए हैं क्या? डाकू नारायण ने मंदिर पर धावा बोला, आपको मारा भी, और वो भगवान की मूर्ति भी लेके गए। राम राम राम। जी हाँ दरोगा जी। तहकीकात कीजिएगा ना। इन दोनों मूर्खों को आंख मारना भी नहीं आती, एक चोर दूसरा गिराकट। वाह, ये क्या कह रहे हो बन्ने मियां? पुजारी पोटेधारी ने सोने की मूर्ति चुराने का इल्जाम मुझ पर लगाया है, मुझ पर? हाँ नारायण सिंह, ये बिल्कुल सच है। ये सच है कि पोटेधारी ने पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, और घमंडी सिंह ने उतनी जल्दी से लिख भी ली, और दोनों थोड़ी देर में ऐसे घुल मिल गए जैसे शक्कर और पानी। लेकिन उन दोनों नालायकों को इस बात का इल्म नहीं है कि हवलदार पवन पुत्र का दूसरा नाम ही बन्ने खां खलीफा है, और ये खलीफा दोस्त है तुम्हारा। बाबा के खिलाफ हर साजिश करने वाले को रामकली मुंह तोड़ जवाब देगी बन्ने खां। आदाब हमशेरा रामकली, मगर आप घुड़सवारी? हाँ, मैं घुड़सवारी भी सीख चुकी हूँ और निशानेबाजी भी। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, चश्मे बदूर। हाँ, आज पूर्णिमा की रात है, आधी रात होने पर माँ भवानी के सामने तेरा रक्ताभिषेक होगा बेटी। मगर उससे पहले मैं पोटेधारी को एक संदेशा भेजना चाहती हूँ बने खां, और उसे लेके तुम जाओगे। बड़े दिनों के बाद, और डार क्यों रहा हो? खात बना रहा हूँ, खातना थोड़ी कर रहे हो पंडित जी। सांस खींचे रहिए,
चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है। गाना गाते गाते उस तरह मत लगा देना भाई। ओ ना जी ना, बेफिक्र रहो, एकदम एक्सपर्ट हूँ, खानदानी अज्जाम हूँ। ओ माशाल्लाह पोटेदारी जी, आपका चेहरा तो दिन ब दिन मक्खन की तरह होता जा रहा है। चने के झाड़ पे क्यों चढ़ा रहे हो बन्ने खान? ये मैं नहीं कह रहा, मेरा उस्ताद फिजल फिजल के कह रहा। देखिए कमाल की मक्खन जमा हो गए इस पे। अरे बन्ने खान, तुम इतने जोर से कह रहे हो कि मेरा चेहरा मक्खन जैसा है, तो फिर ये बताओ कि कोई छोरी ने आज तक ये मक्खन चखा क्यों नहीं? ओ पोटेधारी जी, एक नहीं दस दस चिड़ियां फंसेंगी। बस आप दाना डालते रहिए। पुजारी जी आंखें खोलिए, लगता है किसी खातून ने आपका दाना खाया और खत लिखा है। अरे बन्ने खान, तू रोज दाढ़ी बनाने आया कर यार, ऐसे प्रेम पत्र मिलते रहेंगे। तिलक धारी पोटे धारी महान, आज होगा तेरे पापों का अंत। ये चिट्ठी रामकली की तरफ से तेरी मौत का संदेशा है। वो रामकली जिसकी माँ को तूने और तेरे तीन साथियों ने लूटा था, आज की रात रामकली तेरे घर में मौत का मुजरा करेगी। लेकिन क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों होने जा रही है, इसलिए तेरे क्रिया कर्म का सारा खर्च भी मैं ही करूंगी। रामकली। ट्रस्टी जी, पोटेधारी जी, आप तो इतने मोटे ताजे आदमी हैं, ठंडे ठंडे बर्फ की तरह जम क्यों गए? अरे बन्ने खां, ये किसी कन्या का प्रेम पत्र नहीं है। अच्छा, रामकली ने मेरे नाम मौत का पैगाम भेजा है। ओ, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। ओ मियां, मेरे कहने का मतलब ये कि आप आधी हजामत भी तो करवा के जाइए। और तुम्हें आधी हजामत की पड़ी है? ये मेरी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ी है, पागल कहीं का। कमाल है, अच्छा खासा आदमी खत से खतरे में आ जाता है। राम कली सारी समझती क्या अपने आप को? पुलिस को बता दूंगा, पकड़ा दूंगा मैं। हाँ? ए भाई लोग, तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? आपके मरने का इंतजार। अच्छा, आदमी जिंदा और अर्थी तैयार है? ओए मारने डरने वाली कोई बात नहीं है पोटेदारी जी। ओए सुनो, हमारे पोटेदारी जी की मरने की कोई उम्र नहीं है। अभी तो उन्होंने किसी को खिलाया मक्खन, जाओ वरना खोल दूंगा तुम लोग डाक कान। अजी क्यों दफा हो जाए, हम लोग पैसा लेने के बाद पूरा काम करके ही जाते हैं। तुम्हें पैसे किस काम के लिए और किसने दिए हैं? हमें एक देवी जी ने पैसे दिए हैं, ये लाश उठाकर शमशान तक पहुँचाने के लिए। बन्ने खां, जरूर इनको रामकली ने पैसे दिए होंगे। वो तो ठीक है, आजकल उसकी कमाई बड़ी तेज चल रही है, लेकिन वो गलत आदमी पे, मेरा मतलब है गलत बात गलत हरकत है, ये तो ऐसा खर्च नहीं करना चाहिए उसे। पोटेदारी जी, मैंने ये कफन डबल सिलाई मार के तैयार कर लिया है, आपको पसंद है क्या? कफन? हाँ हाँ। मेरे लिए? आज तेरी तो। आपकी तारीफ? मैं पंडित हूँ। इसमें क्या है? गंगा जल। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे पोटेदारी जी के जब प्राण निकल रहे होंगे, तब मैं उनके मुँह में आहिस्ता आहिस्ता गंगा जल की एक एक बूंद डालूंगा। और मैं तेरे सिर पे सारा डाल दूंगा। सेठ जी, जल्दी मरकर छुट्टी करो, मुझे और भी चार घरों से मुर्दे उठाने हैं। अबे छक्के की तरह हिलता क्या है? मैं क्यों मरूं? मैं पुलिस तो पुलिस, मिलिट्री को भी बुला सकता हूँ, समझे ना? मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। बन्ने खा जी, अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें। ओ साहबान, आप लोगों को थोड़ा सबर करना पड़ेगा, मामला किसी बहुत ही अट्टे कट्टे आदमी के मरने और जीने का है, ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। दे दिया। ये रामकली की बच्ची ऐसे दादागिरी कर रही है जैसे किसी यमराज की बेटी हो। इतना घमंड अच्छा नहीं है घमंडी सिंह, तुम तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हो यार, किसी तरह मेरी जान बचा लो। अरे इतना काहे घबरा रहे हो पोटेधारी, ये सब बोल पचन है, गिदड़ भक्की है। हमार नाम घमंडी सिंह है, तुमको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। हजूर। बन्ने खां तुम यहाँ? तुम बन्ने खां अज्जाम से मिल के आ रहे हो? हाँ। दिखाओ पे मत जाओ मियाँ, वो मेरा आम शकल है, उसी का फायदा उठा रहा है। एक और आम शकल ने मुझे वो टोपी बना दी, उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। और पोटेदारी जी, आप क्यों डर रहे हैं? आप तो भगवान के इतने सच्चे भक्त हो, और ये रामकली जो है ना बड़ी बड़बोली है, कुछ करने वाली नहीं है। आप दिन रात जो जाप करते हो ना, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। कांपना बंद करो पोटेदारी साहब, खामखा कांपते रहते हो, फिक्र मत करो, आज रात को मेरी पुलिस फौज तुम्हारी रक्षा करेगी। और अगर वो रामकली आ गई तो जिंदा बच के नहीं जाएगी यहाँ से। जाओ और जाके चैन की नींद सो जाओ, जाओ। थैंक यू, थैंक यू घमंडी सिंह।
जिस आदमी को भगवान बचाना नहीं चाहता है, पुलिस उसको क्या प्रोटेक्शन देगी? जाड़िया तो गया। बाप ने बोला जन्म जली, माँ ने कहा मेरी लाडली, सबक सिखाने दुश्मनों को निकल पड़ी है रामकली। जय भवानी की। जाने से पहले तुझे परीक्षा देनी होगी रामकली। मैं ये सिक्का हवा में उछालूंगा और तुझे फायर करना होगा। अगर तेरी गोली सिक्के में लगी तो समझो ये शुभ शगुन होगा, वरना अपशगुन होगा। पहले आधी बोतल में टुन हो जाता था, आज पूरी पी चुका हूं, कुछ नहीं होता, नींद भी नहीं आती। सत्यानाश हो तेरा रामकली। चिट्ठी भेज दी, मार डालेगी, मैं नहीं मरूंगा। मुझे मार डालेगी, मैं नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। कौन है? कौन है? कौन? रामकली तू? पोतेधारी? अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दे, मुझे मत मार। मेरी माँ भी मरना नहीं चाहती थी कुत्ते, पर तूने और तेरे साथियों ने उसकी इज्जत के दामन को तार तार कर दिया और वो शर्म के मारे जीते जी मर गई। अब तू मरेगा। पोटेधारी मर गया, एक साथी अपना घट गया। ऐसा लगता है कि आज एक अंग अपना कट गया। जो नामांचित अपन जानी सुपाई मुंबई में जब कभी भी अपन किसी की सुपाई लेता था ना, तो उसके गेम बनाने का अपने एक अलग ही स्टाइल था। कुछ कौन सा स्टाइल? कौन सा स्टाइल? आपको मालूम है शेर की खाना कौन है? बिल्ली। जब बिल्ली चूहे का शिकार करती है तो कैसा दौड़ जाती है, तबड़ी तबड़ी डिस्का डिस्का होता है, भाग भाग के जो थक जाता है ना, तब वो उसका शिकार करती है। और वही स्टाइल मेरा, यानी कि जॉनी सुपारी स्टाइल, कैसा लगा भाई? वाह 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 सुपारी वाह, वाह सुपारी वाह, जोरावर को बहुत मजा आया। कसम काली मैया की, तेरे जैसा सुरमा आज तक नहीं देखा। जो 40-50 बंदों को लुढ़काने के बावजूद भी पुलिस के हाथों कभी पकड़ा नहीं गया।
और पुलिस भी कौन सी पुलिस? कौन सी? बॉम्बे पुलिस, जिसका अक्की दुनिया में नाम है भाई। अरे जोड़ो और भाया, गजब हो गया। क्या पुलिस ने छापा मारा? अरे नहीं भाया, वो ससुरी राम कली ने उस महान पोटेदारी की हत्या कर दी है। जोरावर सिंह को बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे क्या खत मजा आएगा इन छोटी मोटी चीटियों का शिकार करने में, इन चूचियों को तो ऐसा मसल देने का। क्या रामकली ने अपना गिरोह बना लिया? अरे नहीं भाया, वो आपका जो दोस्त है ना कुंवर सिंह, उसका जो दुश्मन फौजी नारायण सिंह के गिरोह में शामिल हो गए ससुरी चुन्ना चाट के। इसका मतलब सारे फसाद की जड़ नारायण सिंह है। हाँ। लेकिन थानेदार घमंडी सिंह ने क्या हाथों में चूड़िया पहन ली? अरे जोयावर, ये टेंशन नहीं लेने का, जॉनी सिपाही को बोलने का सुबह तक दारू पीने का। मिस संगीता सर, आपके कारनामों को देखते हुए महकमे ने आपको रामगढ़ भेजने का फैसला किया है, इसे आप अपना प्रमोशन समझ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, पर क्या मुझे कोई खास कष्ट भी दिया जा रहा है? ऑफ कोर्स, रामगढ़ में एक और डाकू रामकली पैदा हो गई है, उसे तुम्हें पकड़ना। सुना है रामकली डाकू नारायण सिंह के गिरोह में शामिल हो गई है, जिसने मंदिर की कीमती से कीमती मूर्तियां चोरी की है। तुम्हें डाकू नारायण सिंह को भी गिरफ्तार करना होगा। श्योर सर, मगर एक डाकू जोरावर सिंह भी है ना, जो बरसों पहले जेल से भाग गया था। लेकिन जोरावर सिंह अब ठंडा पड़ चुका है। अब जाने से पहले एक बात और सुनती जा। कहिए सर। तुम्हें रामगढ़ थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर घमंडी सिंह की एक्टिविटीज पर ध्यान रखना होगा, जो कि मुजरिमों से काफी साठगांठ रखता है। बेस्ट ऑफ लक। यस सर। अरे विष्णु, तुम कब आए? बस हुजूर, एक जेल से छूटकर दूसरी जेल में कैद होने आया हूँ, तुम्हारे दिल की जेल में। अब जेलर साहब की इजाजत की देरी है। तेरी जात का बैदा मारू। अच्छा हुजूर, तो हमारे दिल के साथ साथ हमारा तकिया कलाम भी छीन लिया। और मैडम ये क्या है, आपका पिंजरा क्यों खाली पड़ा है? आपकी चिड़ियाएं कहाँ उड़ गई? ये सब लगता है ये हरकत मम्मी पापा की है। अच्छा रामू। जी बीबी जी। रामू मेरी चिड़िया कहाँ गई? वो आपके पापा की गलती की वजह से उड़ गई, उधर के मारे घर से बाहर चले गए। ये लीजिए शिवरात्रि का प्रसाद। बम बोले हो जाए। तेरे पास बुलबुल है पिंजरा नहीं, मेरे पास पिंजरा है बुलबुल नहीं। अरे मेरे पास बुलबुल है पिंजरा नहीं, तेरे पास पिंजरा है बुलबुल नहीं। अपना बुलबुल तू मुझे दे दे, मेरे पिंजरे में बंद कर दे, बड़े प्यार से मैं पालूंगी, दाना पानी भी डालूंगी, बड़े प्यार से मैं ए, मेरे पास बुलबुल है, मेरे पास पिंजरा है। हाँ देने को दे तू मैं बुलबुल मगर, चोच मारेगा तो लगेगा तुझे डर। हे देने को दे तू मैं बुलबुल मगर, चोच मारेगा तो लगेगा तुझे डर। प्यार से मुझे चोच मारेगा अगर, तेरी कसम चोच से लगेगा नहीं, बस इसे उम्र भर संभाल लूंगी, दाना पानी भी डालूंगी, इसे उम्र भर संभाल लूंगी, दाना पानी भी डालूंगी। ए, मेरे पास बुलबुल है, मेरे पास पिंजरा है।
खाए कसम धोखा न देगी कभी और किसी का बुलबुल न लेगी कभी। हाँ खाए कसम धोखा न देगी कभी और किसी का बुलबुल न लेगी कभी। और किसी का बुलबुल न लूंगी कभी, तुझे पिया धोखा न दूंगी कभी, ये कसम मुझे खा लूंगी, काला पानी भी डालूंगी, ये कसम मुझे खा लूंगी, काला पानी भी डालूंगी। मेरे पास बुलबुल है पिंजरा नहीं, तेरे पास पिंजरा है बुलबुल नहीं। तेरे पास बुलबुल है पिंजरा नहीं, मेरे पास पिंजरा है बुलबुल नहीं, अपना बुलबुल तू मुझे दे दे, मेरे पिंजरे में बंद कर दे, बड़े प्यार से तुम मुझसे शादी करोगे ना? डार्लिंग डार्लिंग, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? अरे अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें तो चाहिए, और तुमसे ज्यादा हसीन तो मेरे पास और कोई है कि नहीं। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, माय कुची खोपरा। मेवा खाया अभी पत्थर का पत्थर। अरे पत्थर है पत्थर, अरे वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस वालों को तो यूं ही लोग पत्थर मारते ही रहते हैं डार्लिंग, नो प्रॉब्लम। पत्थर के साथ एक चिट्ठी भी है डार्लिंग। चिट्ठी? कुड बी लव लेटर, प्यार भरा खत है। क्या है ना डार्लिंग, ये लेकिन खत कोई गर्लफ्रेंड का नहीं लगता है, ये लगता है यम। दरोगा घमंडी सिंह, तूने 15 बरस पहले मेरी माँ की इज्जत लूट कर जो फसल बोई थी, आज तू उसी फसल को काटेगा। तू और तेरी सारी पुलिस मिलकर भी उस आंधी को नहीं रोक सकते जिसका नाम है रामकली। रामकली? जब तू पोटेधारी को नहीं बचा सका तो खुद को क्या बचाएगा? कल तेरी मौत बनकर आऊंगी, तेरे खून की प्यासी रामकली। क्या हो डार्लिंग? डार्लिंग, यहाँ तो जिंदगी खाली हो गई है, मुझे सुपरिटेंडेंट ने बुलाया है। नावे से तो डाकू लगती है, कहीं डाकू रामकली तो नहीं? इसकी सूरत तो बिल्कुल, कहीं तुम डाकू रामकली तो नहीं? वैसे तो रामकली का नाम पूछने वाला ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता, मगर ना जाने क्यों तेरी सूरत देखकर मुझे तुझ पर दया आ रही है। जा, मैंने तुझे माफ किया। इंस्पेक्टर संगीता फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। सर, मैं आपके अंडर काम करूंगी और डाकू नारायण सिंह और डाकू रामकली को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। सर, एक पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से आपको इन धमकियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं, 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 जब इसने को धमकी दी थी तो मैंने भी परवाह नहीं की थी, और नतीजे क्या निकला, क्या निकला नतीजा? आज पोटेदारी दुनिया में नहीं है, चला गया ऊपर। इंस्पेक्टर संगीता आपसे वादा करती है, अगर रामकली आपको डंक मारने आई तो मैं उसका डंक तोड़ दूंगी।
क्या कहा बन्ने खां? वो इंस्पेक्टर संगीता भुन्नाथ की जड़ घमंडी सिंह की जान बचाने के लिए स्पेशल फोर्स बुला रही है। आराम खाली, तुम इंस्पेक्टर घमंडी सिंह को माने खैर अपने दिमाग से निकाल दो, तकलीफ में आ सकती हो। बन्ने मियां, इसका फैसला तो काली माँ करेगी। बोलो माता, शुभ शगुन या शुभ शगुन? शुभ शगुन, शुभ शगुन। घमंडी सिंह, कहाँ हो तुम? घमंडी सिंह, मैं यहाँ हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। मैं कुछ साफ कर रहा था, साफ कर रहा था। हाँ घमंडी सिंह, हिम्मत से काम लो, तुम मर्द हो, ऊपर से पुलिस वाले हो, बाहर निकलो। मैं मर्द हूँ। बैठो। नहीं, मैं यहाँ सहा जाता हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ राम कली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रॉमिस। ओके। अब मैं कहाँ बैठूँ? यहाँ बैठूँ? अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। यची आयला गेवन टाक। इंस्पेक्टर सर, क्या खबर है? अभी तो सब ठीक ठाक है सर। मुझे भी एक इन्फॉर्मर ने खबर दिया है कि राम कली घमंडी सिंह को मारने के लिए निकल चुकी है। सर, मैं उसे पकड़ ही लूंगी। मैंने भी एक प्लान सोचा है, आओ जीप में चलकर बताता हूँ। यस सर। हट। बाबा, अब मैं इंस्पेक्टर की ड्रेस पहनकर उस भुन्नाथ की जड़ घमंडी सिंह का काम तमाम कर देती हूँ। ना वो रामकली? हाँ? नहीं आई तो नहीं, आ सकती है। अरे बोला गला, कुछ भी बोलती हो यार, बैठो बैठो बैठो। सुनो संगीता, तुम ना मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो। यस। बंदर कितना भी बुरा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। बंदर? कितना मजाक करती हो। लो लो इसे पी लो ना, इसे शराब को अपने होठों से लगा के इसे पवित्र कर दो, शोला फड़का दो, शोला। मजे लगाने को थोड़ी बोला था। नाथ की जड़ पहचाना मुझे? मैं संगीता नहीं, राम कली हूँ। Thank you.
वन्नास की जड़। कभी अच्छी खबर नहीं लाता महावीरा, जब भी लाता है मनहूस खबर लाता है। अरे जोया बच्चे, आपके चोचे भाई ने आपको क्या बुरी खबर दी कि आपने उसके कान के नीचे बजा दिया? रामकली ने पोटेधारी के बाद हमारे जिगरी दोस्त दरोगा घमंड सिंह को भी तड़ीपार कर दिया। जोरावर को बिल्कुल मजा नहीं आया। पहले पोटेधारी को मारा, अब घमंडी सिंह को मारा है। रामकली ने आज हमारी ताकत को ललकारा है। यार महावीरा, ये मूर्ति खरीदने वाली पार्टी कब आएगी सुपारी चबा के? अरे आवेगी आवेगी भाया, मेरे चुन्ना चाट के आवेगी। अच्छा एक बात बता यार, मुझे जहाँ तक याद है मैं पूरे एक साल से तेरे साथ हूँ शायद। जहाँ तक मैं जानता हूँ तूने तो कभी मंदिर में डाका डाला नहीं, फिर तेरे पास ये मूर्तियां कैसे हैं सुपारी चबा के? अरे रत्न सिंह, तू सवाल बड़े पूछे भाया। पर मुझे तो कभी कभी शक होने लगे कि तू भी तो साला पुलिस वाला तो नहीं है कहीं। मेरी वफादारी पे कभी शक मत करना, लेकिन सवाल पूछने से तू मुझे मत रोकना सुपारी चबा के। ओके भाया, अब भी कोई सवाल पूछने को बाकी है के चुन्ना चाट के? यार महावीरा, मेरा तो एक ही सवाल है, फिर पूछ रहा हूँ, ये मूर्तियां तेरे पास कैसे आई? मेरा मतलब है कि तू डाकुओं के किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, जोरावर सिंह के या डाकू नारायण सिंह के? हाँ, इससे ये बात नहीं बतानी चाहिए कि मैं जोरावर सिंह का भाई। अरे सुनो रतन सिंह, ये मूर्तियां तो भाई डाकू नारायण सिंह से खरीदी है मैंने। ओह, इसका मतलब ये नारायण सिंह बहुत ऊंचा खिलाड़ी है। आजा, आजा, आ गया तू भी। बागी महावीरा, ये रहे 2 लाख रुपए तुम्हारी मूर्तियों की कीमत। ले भाई, हमने तो कीमत वसूल कर ले। चल उड़ा मूर्तियों को भाई। ले जा भाई, ले जा संभाल के सोने की। हाँ तो महावीरा, क्या बोलता है तू, इस सौदे की खुशी में एक तड़क भड़क भरी छमिया का दीदार हो जाए? अरे जरूर जरूर भाया, पर ये शमिया है कौन? धन्नो, आज ही रामगढ़ आइए सुपारी चबा के, क्या बोलता है? चलो भाया। यूपी बिहार में धूम मचाने, आगे धन्नो नौटंकी दिखाने। हर जगह लेन लगी थी मेरे इंतजार।
अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो चलो। I'm sorry, इंस्पेक्टर संगीता, मैं महावीरा को जिंदा गिरफ्तार नहीं करवा सका। कोई बात नहीं मिस्टर रतन सिंह, आपने एक सीबीआई ऑफिसर होने की हैसियत से एक मूर्तियां चुराने वाले डाकू का एनकाउंटर करवाया, ये कोई मामूली कारनामा नहीं है। शुक्रिया इंस्पेक्टर संगीता, मेरी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मुझे मालूम है ये महावीरा डाकू नारायण सिंह के ग्रोह का आदमी था। डाकू नारायण सिंह, ये तो वही है ना जिसने रामकली को सहारा दिया? हाँ इंस्पेक्टर संगीता, ये डाकू नारायण सिंह वही है। अब मैंने फैसला किया है कि मैं इसके ग्रोह में शामिल होकर उन मूर्तियों के बारे में पता लगाऊंगा। कल तक जुरार की फकत एक दुश्मन थी, रामकली। अब महावीरा के मौत के बाद पुलिस इंस्पेक्टर संगीता को भी ठिकाने लगाऊंगा, तभी जुरार को बहुत मजा आएगा। मैं आ गया। अरे सुपारी, अकेले आए हो? रामकली की लाश कहाँ है? लाश भी लेके आएंगे ना। मगर इतनी देर क्यों? एक्चुअली क्या हुआ ना जोरावर से, रामकली को किसी ने चुगली खा लिया कि मैं यानी कि जॉनी सुपारी उसको अक्के रामगढ़ में ढूंढ रहा हूँ। तो चुप गई। लेकिन बकरे की माँ कब तक है मनाएंगी? एक न एक दिन तो उसको टीट उठा करके कंधे पे लाऊंगा, आपके कदमों में पटका, उसका खेल खत्म। रामकली का खेल तुम करो खत्म, मैं इंस्पेक्टर संगीता को ठिकाने लगाऊंगा। रामकली, आज तू हमारे चंगल में फंसी गई। दो तेरी तो मान लो। तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूँ। भागो यहाँ से। हाँ आ जाओ एक एक करके सुपारी छोड़ के। Thank you.
तुम बाहर आ सकती हो बहन। लगता है मैं अपने दोस्तों के बीच आ गई हूँ। हाँ रामकली, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? हमको तो यह भी मालूम है बहन कि तुम अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए डाकू बनने पर मजबूर हुई। लेकिन उन डाकुओं का क्या हुआ जो मेरा पीछा कर रहे थे नवाब साहब? उन सबको जहन्नुम पहुंचा दिया गया। ये एहसान मुझ पर कर्ज बनकर रहेगा, लेकिन क्या मैं अपने मोहसिन का नाम जान सकती हूँ? क्यों नहीं बहन, मुझे नवाब अकरम बेग कहते हैं, और ये मेरी बीबी शहनाज, और ये मेरा बेटा मुन्ना। बड़ा प्यारा बच्चा है नवाब साहब, अब आज्ञा दीजिए। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मेरी जरूरत पड़े तो बन्ने खलीफा से खबर भिजवा दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी। भाभी जान अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है दुश्मन से मार खाकर आया है, जोरावर को बिल्कुल मजा नहीं आया। अबे बोलता क्यों नहीं, तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? हाँ, और रामकली कहाँ है? ए, अरे इस बैत को उठाना होगा, वही इसे चंगा करेगा। अरे ये तो वही नौजवान है जिसने मुझे जोरावर के आदमी से बचाया था। ये तो वही है, इसकी शक्ल इंस्पेक्टर संगीता से इतनी मिलती जुलती क्यों है? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जान क्यों बचाई? बल बंदे को रतन सिंह कहते हैं, और मुसीबत में फंसे हर इंसान की जान बचाना अपना फर्ज समझता है। काफी ऊंचे विचार हैं आपके। आप करते क्या हैं? वही जो आप करती हैं। यानी कि आप भी डाकू हैं? हाँ रामकली। मेरा नाम भी पता है? ऑफ कोर्स। इस इलाके में ऐसा कौन सा बंदा है जो तुम्हारा नाम नहीं जानता? आपने मेरी जान बचाई है, इसका एहसान कैसे चुकाऊं? बहुत आसानी से चुका सकती हैं आप। वो कैसे? अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए मुझे। वो कौन सी बड़ी बात है, आओ मेरे साथ। Why not? ये तुम क्या कह रही हो बेटी, बिना तहकीकात किए मैं इस नौजवान को अपने ग्रुप में कैसे शामिल कर सकता हूँ? इसलिए बाबा, क्योंकि इस नौजवान ने आपकी बेटी की जान बचाई है, और ये भी एक डाकू है। वो अकेले काम करने के बजाय हमारे गिरोह में शामिल होना चाहता है। मुझ पर शक मत कीजिए बाबा, मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो बाबा इसे अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए ना। क्यों नहीं क्यों नहीं, हम अपनी बेटी की बात क्यों नहीं मानेंगे मेरे अच्छे बाबा। मगेरा, तुम लोग तो रामकली को मारने गए थे, तू अकेला जख्मी होकर वापस आया, तेरे बाकी साथी कहाँ है? रामगढ़ के नवाब अकरम बेग ने रामकली को बचाने के लिए हम सबको छलनी कर दिया। चोरावर को बिल्कुल मजा नहीं आया। बच्चे जोरावर सिंह ने दिखा दी ना अपनी औकात, कितनी छिछोरी हरकत पे उतर आया है, एक मासूम बच्चे की फिरौती मांग रहा है। रामकली, फिरौती की रकम वापस करना नवाब अकरम बेग के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जोरावर चूंकि इतना कमीना इंसान है कि नवाब अकरम बेग को एक बात का खतरा है कि शायद वो अपनी औलाद को जिंदा ना दिख पाए। माता भवानी की कसम, अगर जोरावर सिंह ने बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं उसके दोनों हाथ काट दूंगी। पर बेटी समय कम है, ऊपर से हमें जोरावर और उसके अड्डे की कोई जानकारी नहीं है। क्यों बन्ने मियां, आपने जोरावर और उसके साथियों की हजामत बनानी बंद कर दी क्या? अरे उन हजामत तो मैं ही करता हूँ बाबा, आपकी भी तो हजामत मैं ही करता हूँ ना, लेकिन रामकली वो जोरावर नहायत कमीना आदमी, मुझे अपने अड्डे पे लेके तो जाता है लेकिन वो मेरी आंखों पे पट्टी बांध देता है, तो पर्दे के बाद पर्दे में रह जाती। बाबा मैं कुछ बागियों को लेकर जोरावर सिंह के अड्डे का पता लगाऊंगी। जा बेटी, माँ भवानी तेरी रक्षा करे। चलो। ये रहा मेरा महला,
ये गुलाम सब से काम लो बेगम, अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो हमारा बच्चा हमें जरूर वापस मिल जाएगा। नवाब साहब, अगर मुझे मेरा मुन्ना नहीं मिला तो मैं ये सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेगम, अल्लाह पर भरोसा रखिए, मैं अभी रकम लेकर जाता हूँ और जोरावर के कब्जे से अपने बच्चे को वापस लेकर आता हूँ। अम्मी, अब्बू, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, मेरा बच्चा। रामकली बहन, हम तुम्हारा ये एहसान, अगर ये एहसान है नवाब साहब तो वो क्या था जब आपने मेरी जान बचाई थी। लेकिन बहन, जरावत एक बहुत खतरनाक डाकू है, तुमने हमारे बच्चे को उसके चंगुल से बचाया कैसे? जब इरादे मजबूत हो नवाब साहब तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह हाफिज़। खुदा। चलती हूँ। सुनो बहन, जाने से पहले एक वादा करो। कहिए नवाब साहब। कल रात हमारी इस हवेली में मुन्ने की खतना की रस्म अदा की जाएगी। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी इस खुशी में तुम भी शामिल हो जाओ। जरूर आऊंगी नवाब साहब, लेकिन हाथों में बंदूक लेके नहीं, पैरों में घुंघरू बांध के। जरूर। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। देखो सोन चिड़ैया उड़ गई रे, सोन चिड़ैया उड़ गई रे, अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई, देखो सोन चिड़ैया उड़ गई रे, पिंजरे से भैया उड़ गई रे, फूल से गोरैया उड़ गई रे। बेटे खतना कराना जरूरी है, देखो बेटे खतना कराना जरूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है। हो गई मेरे लाल की मुसलमानी, नेघ लूंगी तुझसे मैं पुण्य की नानी। हाँ बोल तू क्या नेघ लेगी बेला रानी, साटन की शलवार दुपट्टा कामदानी, उसके बाद खाऊंगी मैं बिरयानी। गरम गरम पूड़ी भाजी चिकन तंदूरी है, गरम गरम पूड़ी भाजी चिकन तंदूरी है, नबी जी की सुन्नत पूरी आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत पूरी आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत पूरी आज पूरी है। कहने को एक छोटी सी रस्म घर वालों ने करवाई है, घर वालों ने करवाई है, ये रौनक देख के लगता है कोई शादी है या विदाई है, कोई शादी है या विदाई है, जिस खुशी के मौके पर भैया कोठे वाली भी आई है, कोठे वाली भी आई है, वो खाली हाथ नहीं आई तो भी साथ मिलाई है, तो भी साथ मिलाई है, मिटेगी जरूर अपनी बीच में जो दूरी है, मिटेगी जरूर अपनी बीच में जो दूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है।
कलमा जब पढ़ लेता है तब आधा मुसलमान बनता है, आधा मुसलमान बनता है। जब खतना करवा लेता है तब पूरा मुसलमान बनता है, पूरा मुसलमान बनता है। रोते हुए मुन्ने सुन तुझसे क्या बन्ने खलीफा कहता है, बन्ने खलीफा कहता है। खुश होते हैं प्यारे मोहम्मद जब जन्नत का सामा बनता है, जन्नत का सामा बनता है। मासूम दिल है तेरा सूरत नूरी है, मासूम दिल है तेरा सूरत नूरी है। नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है। सेहरा बांध के बैठा है मेरा मुन्ना राजा, बैंड वाले बजा रहे हैं आज बाजा। आज है मुन्ने की छोटी वाली शादी, छोटी वाली शादी। अरे जल्दी करा दे मौला बड़ी वाली शादी, बड़ी वाली शादी। एक चांस दुल्हन आ जाए जो मुन्ने के दिल को भा जाए, मुन्ने के दिल को भा जाए। फिर खुशियों का एक फूल खिले मेरे मुन्ने का मुन्ना आ जाए, मेरे मुन्ने का मुन्ना आ जाए। जब उसकी हो मुसलमानी फिर बन्ने बुलवाया जाए, बन्ने बुलवाया जाए। जब उसकी हो मुसलमानी फिर बन्ने बुलवाया जाए, बन्ने बुलवाया जाए। मौला पूरी कर दे तमन्ना जो अधूरी है, मौला पूरी कर दे तमन्ना जो अधूरी है। नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है, नबी जी की सुन्नत हुई आज पूरी है। अरे अकरम बेग का बेटा पूरे 5 लाख का बेटा है, लेकिन मुझे इतना तो बता कि मेरा हिस्सा कितना होता है। ये हुई ना दोस्तों वाली बात, चुरावर को बहुत मजा आया। पहले रकम तो मिलने दो, बाद में हिस्सा ले लो। ऐसे कोई मांच जानी सुपारी, ये डाकू कैसे मरे और नवाब का बेटा कहाँ है? वो राम के लिए वो नवाब के बेटे को लेके गई और आपके सब साथी और मेरे को कितना मारा मालूम? चुरावर को बिल्कुल मजा नहीं आया और आज ये भी समझा जॉनी सुपारी नहीं है तू, तू जॉनी बड़ बोला है, दूर हो जा मेरे नजर के सामने से। सेठ आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं जाऊंगा बम्बई, वहाँ जाके बाइकिंग करूंगा। मेरी टोपी रखो निशानी को, याद रखो जॉनी को। एक टोपी वाले एक टोपास, दूर हो जा। इससे पहले कि तुम मुझे हथकड़ी पहनाती, मैंने तेरे माँ बाप को कफन पहना दिया है।
तुझे ये समझाने के लिए कि रामकली एक तूफान है और उसके रास्ते में जो भी आने की कोशिश करेगा उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। मुझे मार बापू, तुम्हारे खून की कसम। रामकली, मैं पूरे रामगढ़ में तेरे खून के छींटे उड़ाऊंगी और इस धरती को खून से लाल कर दूंगी। संगीता, तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि एक तो तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है और एक को मारो तो दूसरे को चोट लगती है। विष्णु, मैं ये बात नहीं मान सकती और ना ही ये बात मेरी हलक से नीचे उतर सकती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है। संगीता, मैं एक न एक दिन इस हकीकत का पता लगा के रहूंगा, देख लेना। अरे जॉनी, ये तो राम और श्याम की कहानी उल्टी लगती है मेरे को। बाबा, एक को मारो तो दूसरे को लगता है जोरावर। जॉनी की नौकरी वापसी पक्की। जोरावर जोरावर। तू बम्बैया कहीं फेकम फक तो नहीं कर रहा है? मत कसम है। नहीं, मेरी मत कसम है। क्या अजब तमाशा होता नहीं भरोसा? संगीता को चोट लगती है तो रामकली को लगती है, रामकली को चोट लगती है तो संगीता को लगती है। समझ गया, एक को मारो तो दूसरे को लगती है, दूसरे को मारो तो पहले को लगती है। समझ गया। जोरावर सिंह को बहुत मजा आया। मेरे को मालूम था। वैसे तो ये इंस्पेक्टर भी लगती है चंद का टुकड़ा, लेकिन दुश्मनी हमारी रामकली से संगीता को क्यों पकड़ा? जॉनी बड़बोले ने कल हमको जो राज की बात बताई थी उसे सुनकर तुमने क्या बोला था, जरा दोहराओ। मैंने बोला था संगीता को चोट लगती है तो रामकली को लगती है, रामकली को चोट लगती है तो संगीता को लगती है। ध्यान से सोचो, इतनी सी तो बात है, संगीता को मार दो तो रामकली मर जाएगी। जोरावर कौर सिंह को बहुत मजा आया। असली मजा तो रामकली को आएगा। कोई भी तो नजर नहीं आ रहा। बाबा, जरूर कोई इंस्पेक्टर संगीता पर जुल्म कर रहा है। बाबा, हम दोनों की सिर्फ शक्ल ही नहीं, एक बात और भी मिलती है, किसी एक को मारो तो दूसरे को चोट लगती है।
जोरावर को बहुत मजा आया है। बाबा हाँ। लगता है दुश्मनों को इस राज का पता चल गया है। वो लोग संगीता को मारना चाहते हैं ताकि मैं भी मर जाऊं। फिर तो तुम्हें संगीता की जान बचाने के लिए जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। हाँ बाबा हाँ। जान तो तेरे लेनी है, एक गोली चला के ले लेंगे, मगर पहले तेरे गोरे बदन से शिवर के हम खेलेंगे। मजबूर होके तेरी हस्ती मिटा रहा हूं, तुझ पे चला की गोली मैं उसे उड़ा रहा हूं। बाल काटने के 5 रुपए, हजामत के 3 रुपए। रामकली मैंने भी कुछ कुछ करना सीख लिया। ये जामत के जंगल से यार चुप चुप एक मिनट। ये हाँ ये मेरा हथियार है। पीछे पीछे इधर इधर मैं जो गोली भी चला मिथुन बेटे कितने गंदे बाले। इधर इधर आ इधर 3 रुपए इधर बस बाल बनाता हूँ। देख कितने जो है जब इसको पकड़ इसको अबे जान जान जाए क्या। इधर आ इधर आ इधर आ बस देख खसी आजामत करते करते हवलदारी करते करते मैं कहाँ फंस गया। कौन है? तेरा बाप। मेरा बाप है तो मेरे को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। नहीं छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़। गली चार बंदूक चलाना आ गई, अब सिर्फ घोड़ा चलाना सिखा दे। अगर हमारी माँ की इज्जत तू करता तो ना यू कुत्ते की मौत मरता। संगीता आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत शुभ दिन है। आज तुम्हें तुम्हारी खोई हुई जुड़वा बहन रामकली मिल गई। संगीता रामकली संगीता संगीता सच के चली जब मैं